अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से ये बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम वालेकुम, जय भीम। हमने क्या नाम नगर इसमें से मूलवासी नगर के हम। अच्छा। वहाँ पे हम रह रहे 15-20 साल से। अच्छा। हमारे लिए बहुत कष्ट खा लिया हमने, हमने हालत की भी हालत करे जमीन के लिए कि हमको घर नहीं है, हम बेघर है, हमको घर दे रहे नहीं कोई किराए से, हमको लोग उठा रहे, सरकार लोग उठा दे रही ना हमको, क्यों उठा रही सरकार, हम चाहे हक्का की जगह आए थे, अमित बस हक्की जगह पे हम बैठे रहे। से रहे 15 साल से रह रहे। हाँ, 15-20 साल। 20 साल, 15-20 साल। कभी टैक्स वगैरह अदा किया कर? नहीं, लगाओ हमको टैक्स, लगाओ हमको, हटाओ ना कोई वहाँ से, हमको टैक्स लगाओ, हमारे बच्चे का भी टैक्स लगाओ, बस हमारी हमारी ये मांगे है, हमको घर टैक्स लगाओ, हमारे बच्चों के स्कूल है वहाँ पे पढ़े, हमारे भविष्य खराब हो जाएंगे हमारे बच्चों की, हमारे छोटे छोटे बच्चे टैक्स दो तो देते नहीं। हर्षा राजू बनकर आहे, मी मूळ निवासी येथे जवळजवळ 20-22 वर्षाच्या आधीपासून राहत आहे। आम्ही महानगरपालिकेला रिक्वेस्ट केली होती की आम्हाला तुम्ही टॅक्स बसून द्या, घरकुलची योजना द्या, परंतु त्यांनी आमच्याकडे लक्ष दिले नाही। पाणी पावसात सर्व पाणी तुंबले तरी आम्ही तिथंच राहिलो, आमचे काही नातेवाईक काही शेजारी पाजारी तिथं मृत्यू पावले, त्याला कारणास्तव फक्त महानगरपालिका आम्हाला लाईटाची सोय करून द्या, ही पण त्यांना विनंती केली होती। त्यांनी आश्वासन दिले होते, लेटर पण दिले होते की तुम्हाला टॅक्स पाणी लाईट हे सर्व योजना आम्ही देऊ, पण त्यांनी काही दिलं नाही। आणि हे आता नवीनच कुटुंबा कार्ड की हे बिल्डरला जागा देऊन तुम्हाला घरकुल बांधून देण्यात येईल, पण आमची ऐपत नाही आहे। जर आम्ही हे घर विकत घेऊ शकत नाही, पोट भरापुरतं साधन कमावू शकतो, आम्ही हप्ते भरू शकत नाही, आम्हाला घरकुल योजना द्यायची असेल तर द्या, नाही अथवा आमचे घर तसेच राहू द्या। ही महानगरपालिकेला रमा योजना, रमा योजनेमध्ये आम्हाला बसवत असाल तर बसवा आणि घर टॅक्स लावून द्या, अथवा आमची जशी जमीन आहे तशी राहू द्या, त्या जसे घर आहेत आम्ही त्या जमिनीत आणि घरात तसेच खुश आहे बस, अन्यथा आम्ही याच्यानंतर रोडवर उतरायलाही तयार आहे आणि आमरण उपोषण करायलाही तयार आहे। अशी जिंदगी गेली तशी जिंदगी गेली। चिंतामण घुले, 20-22 वर्षापासून मूळ निवासी नगरमध्ये सरकारी जमिनीवर राहत आहे आणि तिथं आम्ही इथू काट्यामध्ये लेकरं बाळं घेऊन आम्ही तिथं राहत आहे। आम्ही कैक वेळेस मोर्चे काढले, मोर्चानंतर आम्ही उपोषण बी केलं, आम्हाला महापालिकेने यांनी फक्त आश्वासन दिलं, आम्ही आश्वासन याचा परिणाम आमच्या गोरगरीब लेकरावर यांच्यावर पडत आहे आणि यांची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावा ही आम्ही त्यांना विनंती करत आहे। भाई राजाराम पवार, मी राहणार मोल निवासी नगर, आम्हाला 25 वर्ष झाले, 25 वर्षाचे झाल्याच्या नंतर आयतेले साहेब 7 वर्ष झाले, आयतेले साहेबांनी आम्हाला पाटे दिलेले, त्या पाट्याचे उल्लंघन काही केलं नाही, ते ना आम्हाला लाईट नाही, पाणी पाण्यामध्ये वरून सप्पर गळतंय, आम्ही खाली राहत आहे पाणी वारून सनी इच्छे काट्यात, आम्हाला पाण्याची सोय नाही, राहण्याची सोय नाही, आमच्या हां ते आयतेले साहेब येऊन सनी आम्हाला नंबर देऊन गेलेले 216 हा गट नंबर क्रमांक, ते आम्हाला पाट्या देऊन गेलेत, पण त्यांचं काही उल्लंघन झाले नाही, आम्ही पाण्यात राहू का पावसात राहू का कशात राहू, आमच्याकडे काही येऊन बघितलं नाही, मग आम्हाला घर जागाची टॅक्स मान्य करावा म्हणून आम्ही महानगरपालिकेत धन्यवाद। आज महानगरपालिका क्षेत्र छत्रपती संभाजीनगर यहाँ पर गट क्रमांक 216 मूल निवासी नगर हरसूल परिसर में जो सरकारी गौठान जमीन है, वो गौठान जमीन पर हमारे 20-22 साल से वहाँ पर जो गरीब बांधव है, जो गरीब है, हाथ मजूर है, कामगार है, 20-22 सालों से खुद की जमीन न होने के वजह से वो जमीन पर झोपड़ीदार के अपना अपने बच्चों का गुजारा करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दलित समाज है, आदिवासी समाज है, जो भी SC ST माइनॉरिटी में जितने भी कास्ट आते हैं, जो भी गरीब है, पिछड़ा है, दबा है, हर वर्ग का हर आदमी हमारे 216 गट नंबर में रहने के वजह से वहाँ पे उनकी इकोनॉमिकल स्थिति ठीक नहीं होने के वजह से बेचारे
झोपड़ी डाल के 20-22 साल से उनका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जब से छत्रपति संभाजी नगर यहाँ के हमारे खासदार माननीय इम्तियाज जलील साहब ने लोकसभा में आवास योजना का जो झूठा कारनामा चल रहा था वो वहाँ पर बयान करे, तो जब से यहाँ की प्रशासन हड़बगा के जागी हो गई और उन्होंने कुछ तो भी करना बोल के हमारे गरीबों के जो ज़मीन है, हमारे गोर गरीब जहाँ पे रहते हैं वो ज़मीन बिल्डर लॉबी को हाथ को पकड़ के पंतप्रधान आवास योजना के नाम पे उनको बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े करना है, लेकिन बिल्डिंग खड़े करना है तो हम गोर गरीब कहाँ जाएंगे? हम अगर 22 साल से वहाँ पे रहते हैं, हम अगर हमारे दूसरी पीढ़ी अगर वहाँ पे गुजारा करती है तो हमारा ख्याल कौन करने वाला है? अरे हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, हमारी इकोनॉमिकल हालत नहीं है कि हम आपके 9 लाख से 12 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट 10 से 12 लाख रुपए में ले सकते हैं, हमारी सही भी कंडीशन नहीं है। इस वजह से महानगर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक साहब को हमारी रिक्वेस्ट है, आपके मीडिया के माध्यम से हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ज़मीन पे हम रह रहे हैं, जो ज़मीन के ज़मीन पे हमारे बाल बच्चे रह रहे हैं, हमको वहाँ से विस्थापित मत करो, हमको वहाँ से हकालने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा मत लो, हमको वहाँ से हकालो मत, नहीं तो गरीब जितना गरीब होता है गरीब उतना आक्रामक ही होता है, ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, आपके जगह पे हम रह रहे हैं तो कानूनन हमको टैक्स लगाओ, हम आपका जो भी टैक्स है हम हर एक आदमी आपको वापस करने के लिए तैयार है, आपका टैक्स भरने के तैयार है, लेकिन हम हमारी ज़मीन, हम हमारे हक का घर कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके लिए चाहे हमको हमारे जान से क्यों ना जाना पड़े, इसके लिए हमें आत्मदहन क्यों ना करना पड़े, इसके लिए हमें अमर अनुपोषण करना पड़े, हम वो हर चीज़ करेंगे लेकिन हमारे ज़मीन से नहीं हटेंगे, ये बात बताने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। सर, जैसा अभी आपने खासदार तजील साहब का नाम लिया तो यहाँ आने का पहले कभी उनके ऑफिस में कार्यालय गए के साहब? हमने 5 बार उनके ऑफिस पे जाने गए थे, 5 बार हमारा मेमोरेंडम लेके गए, लेकिन वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने नाबालिग बच्चे काम को रखे हुए हैं, वो नाबालिग बच्चों को राइट समझ में नहीं आता, वो नाबालिग बच्चों को गौर गरीबों का दुख हाल समझ में नहीं आता, तो उन्होंने साहब के हमारे अपॉइंटमेंट लेने नहीं दिए। नहीं दी। अरे सर, उसके अलावा हमारे औरंगाबाद में 3 खासदार हैं, उसके अलावा भगवत कराड़ साहब, उनके पास भी गए क्योंकि उसकी समस्या गरीबों की। साहब जुमलेबाज सरकार के खिलाफ क्या बोलेंगे? वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनने वाले हैं, मान लो तो सरकार आपको उससे का घर भी देने वाली है ना? देने वाली है, लेकिन सरकार के जो टर्म्स और कंडीशन है कि लोगों ने आवास योजना के फॉर्म भरना है, आवास योजना के फॉर्म में एक शपथ पत्र देना है, वो शपथ पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बिल्डर, ठेकेदार, विकासक ये ज़मीन के कागजात बैंक में जमा करेंगे, बैंक उस पर लोन मारेंगे, जिसका सिविल अच्छा होगा उसको लोन मिलेगा और उसने वो मिले हुआ लोन फेरना है, लेकिन ये गरीब जनता है साहब, ये कहाँ से लोन लेंगे, इनको कौन लोन देगा, फिर इनका लोन मिलेगा नहीं, इनका लोन देगा नहीं, तो आप हमको वहाँ से जो विस्थापित करेंगे तो आगे का हमने सोचना क्या। इसलिए हमारा पंतप्रधान आवास योजना को पूरा विरोध है, क्या हम रह रहे वही ज़मीन हमको दो, हमसे टैक्स वसूल कर लो, तुमको ठेकेदार अगर 10 रुपए दे रहा होगा तो 2 रुपए हम आपको देंगे, लेकिन हमारी ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हरसूल के निवासी है और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वहाँ पर घर बनाए जाने वाले हैं। सवाल ये, यहाँ 20-22 साल से रह रहे थे और जैसा कहा जा सरकारी ज़मीन थी, जब 22 साल से वहाँ रह रहे थे तो सवाल ये, सरकार क्या कर रही थी, प्रशासकीय अधिकारी क्या कर रहे थे, ये सवाल उठता है। और ये इतने गरीब लोग हैं कि खाने को मोहताज है। अब सवाल ये, फिर इनके पैसे फेरेगा कौन, और शहर में कितने नेता है, ये इनकी जवाबदारी है। प्रशासन से आप नुमाइंदगी करो, नेतृत्व करो, इनके लिए करो, क्योंकि जब आप इलेक्शन आते हैं तो आप इनके पास जाते हैं, और याद रखो इनके वोट से आप आमदार बनते हैं, इनके वोट से आप खासदार बनते हैं, इनके वोट से आप महानगर पालिका में आते हैं। देखिए, ये जनता की बात है,
तो ये गरीबों के साथ। अब सवाल ये है, कई हजारों एकड़ गहरा जमीन पड़ी हुई है और ये गरीब अपने पैसे झोपड़ा डालते हैं, सरकार से पैसे मांगते नहीं है। सरकार को और क्या चाहिए, सरकार को और क्या चाहिए। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, अब क्या करेंगे। ये तो सरकार की जवाब, मैं सरकार, मैं आखिरी में एक मिनट, मैं आखिरी में सरकार से पर्सनली तौर से, क्योंकि मैं समाज सेवक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, सरकार से गुजारिश करता हूँ कि समय से पहले अगर आपने घर बना के दिए, ये लोग कब्जे करेंगे क्यों, ये लोग कब्जे करेंगे क्यों। आप समय से पहले घर बनाते नहीं, आपका मामला चलते रहता, गरीब मरते रहता, ये हालात आते। बताइए ईमानदारी से, 22 साल से रह रहे हैं कि आपकी दोषी नहीं है, कि आपकी जवाबदारी नहीं है, क्या चल रहा है देश में। हम चांद पे जा रहे हैं और गरीब रो रहे हैं, बहुत हैरत की बात है। उम्मीद करते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, एक मानवता के आधार में इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके साथ ख्याल कीजिए। ये इंसान है, ये भारत के नागरिक है, श्रीलंका के नहीं, हमारे भारत के नागरिक है, इनके साथ न्याय कीजिए आप। मैं इसी साथ में रहूँ।